ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, साबरी मन में हलचल सी मच जाएगी। साबरी हो ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, साबरी चल सी मच जाएगी। बाबरी हो ठहरे हुए पानी में। जय माता दी। दोस्तों कैसे आप? आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो फिर से आप सभी को मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। तो आज मैं एक और आपके सामने एक नया गाना लेके आया हूँ। यह गाना बहुत ही दर्द भरा है, तो उसको सिखाने की कोशिश करूँगा। इसके बोल है, ठहरे हुए पानी पे कंकर न मार साबरी। बहुत ही ज़बरदस्त है। यदि आपने इसको ओरिजिनल सॉन्ग नहीं सुना होंगे तो यूट्यूब में आप सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये, इसलिए मैंने इसे उठाया है। तो इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। क्या बोले, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार साबरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बाबरी। बहुत ही ज़बरदस्त मिथुन दा की मूवी का सॉन्ग है जहाँ तक ये, तो आपको सीधे बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। दलाल मूवी का सॉन्ग है, तो सीधे वीडियो में आते हैं। इसको मैं आपको तीसरी काली से बताऊँगा, एफ शार्प से बताने की कोशिश करूंगा। सुर की बात की जाए तो इसमें गा दोनों यूज हो रहे हैं और नी कोमल लग रहा है। क्या बोला मैंने, तीसरी काली से इसलिए बता रहा हूँ, मेल फीमेल सभी इसको कंफर्टेबल जोन में गा सकते हैं। जिसका सुर थोड़ा नीचे जा रहा है तो अपने मैं नोट्स तो बताऊंगा, सरगम नोट्स बताऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग सरगम नोट सेट कर सकते हैं। सा नी धा पा नी सा रे गा गा मा पा धा गा, दोनों यूज हो रहे हैं, नी कोमल लग रहा है। नी धा पा धा नी सा, पहले आपको गा के बताता हूँ, फिर इसके बाद में इसके नोट्स बताऊंगा कैसा है। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार साबरी, मन में हलचल सी मच जाएगी। इसका ओरिजिनल सॉन्ग आप जरूर सुनिए, बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है। मेरा गला थोड़ा डाउन है, सर्दी हुई है, मुझे थोड़ा कोल्ड है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना हाई स्वर में। क्या है इसके, ठहरे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में पापा धासा धासा धासा, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार रे गा रे सा 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 रे गा रे सा सा। सरगम नोट्स नोट डाउन करते जाइए आप लोग। रे गा रे सा सा, ठहरे हुए पानी में पा धा सा धा सा सा सा, रे गा रे सा सा। अब साबरी मन में कैसा आएगा, साबरी मन में रे पा रे सा, साबरी मन में रे पा से जब गा में जाएंगे तो मींड करके जाएंगे, मींड मतलब सुर छोड़ना नहीं, घसीट के जाएगा। साबरी मन में
पापा गा रे सा मन सावरी मन हल चल सी मच जाएगी बाबरी हो सावरी मन में हल चल सी मच जाएगी बाबरी हो मन चल सी सारे रे गा रे सा हल चल सी मच जाए रे गा रे सा रे गा रे सा रे गा रे गा रे सा धा पा हल चल सी मच जाएगी बाबरी हो हल चल सी रे गा रे सा रे गा रे सा रे गा रे सा सा गा रे सा धा पा रे गा रे सा सा गी बाबरी हो ई गा रे सा मच जाएगी बाबरी हो गे साधा पा बार बार बता रहा हूँ नोट्स आप सरगम डाउन कर लीजिए बहुत इजी है आई थिंक आपको इसके मुखला नोट समझ में आ गया होगा बार बार बता दिया उसमें मैंने उसका अंतरा बहुत जबरदस्त कैसा है हो मुझे थोड़ा सर्दी है तो आप थोड़ा कॉपरेट करना हो आपको मैं दूसरा इसको बता रहा हूँ मैं जो इसमें अंतरा में जो है दूसरी लाइन बता रहा हूँ दूसरी लाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे इसलिए बता रहा हूँ सब फूलों के हैं दीवाने कांटे से दिल कौन लगाए चेहरे हुए पानी कैसा आएगा अंतरा हो सब फूलों के दीवाने कैसा आएगा गा पा पानी धनी दाम धनी दा पा पा धा पा गा गा पा पानी धनी दा पा 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 जो बताया हूँ अभी मैं नोट्स सेम दो लाइन में वही चलेगा बोली सजनी मैं हूँ काटा गा पा पानी धानी धा पा पा रब तुझको कांटों से बचाए गा 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 रे गा रे सा सा गा रे सा धा पा गा 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 रे सा सा गा रे सा धा पा
ठहरे हुए पानी। कैसा है अंतरा? अब एक और अंतर है इसका, मेरे लिए है तू बेगाना, अनजाने आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा डाउन, इसलिए मैं थोड़ा हाई गा नहीं पाया। एक तो मेरे हारमोनियम की जो रीड है वो बहुत हाई है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको जो नोट्स बताया सेम वही नोट्स लगेंगे इसमें।